ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने AK-47 के साथ इसराइल को धमकी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का आगाज हो सकता है तो करना। बाइडेन जो US के राष्ट्रपति हैं वो अग्री करते हैं कि हाँ ईरान की ऑयल रिफाइनरी को हम हिट कर सकते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? तंग आमद बजंग आमद, 1-2-3 नहीं बल्कि दर्जनों भी नहीं ईरान से दागे गए 400 मिसाइलों ने इसराइल के भरम रोब दबदबे में दरार डाल दी है। मैं कब हो गया ये? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि लानत है इन सारे मिडल ईस्टर्न्स के ऊपर कि आपके मुसलमान बहन भाई मारे जा रहे हैं और आप करारदाद पास कर रहे हैं। मतलब जो अभी ईरान ने किया ये बहुत छोटा अटैक था, इससे बड़ा अटैक इसराइल पर हो सकता है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइल ने बैरूत पर फिजाई हमले में हिजबुल्लाह के मुतवक्के सरबरा हाशिम सफीउद्दीन की हलाकत का दावा कर दिया है। इसराइल ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम ईरान के एनर्जी सोर्सेज को डिस्ट्रॉय करेंगे। ये तो होगा। ईरान जवाबी कार्रवाई करके क्या आपको नहीं लगता कि इसराइल की चाल में नहीं आ गया? Yes. मैं आपको ये बता दूं, ना तेहरान बचेगा, सुनते जाइए, ना बशत बचेगा, सुनते जाइए, ना कुम बचेगा, सुनते जाइए, ना इराक बचेगा, सुनते जाइए, ना शाम बचेगा, सुनते जाइए, ना लबनान बचेगा। पूरी दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं वो पाकिस्तान से क्या अपील कर रहे हैं? वो शाहीन जो मिसाइल है पाकिस्तान का शाहीन 3, उसके हवाले से क्या बात कर रहे हैं कि शाहीन 3 जो है अगर वो हमारे पास हो। सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है, अपील की जा रही है कि अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल का हमला कर सकता है तो पाकिस्तान के पास तो मजीद बेहतर सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। सेमीकंडक्टर, ओए भाई गॉड, सेमीकंडक्टर। शहबाज शरीफ, तुझे स्पेलिंग आती है सेमीकंडक्टर की? इसने देखा कि इंडिया बात कर रही है सेमीकंडक्टर की, तो ये भी बावला हो गया कि मैं भी बात तो कर लूं सेमीकंडक्टर की। मैं बता रहा हूं टोटल 25 करोड़ में 15 पाकिस्तानी नहीं होंगे जिनको सेमीकंडक्टर का मतलब पता है। यू आर राइट ब्रो। मुझे लगता है भाई ये खुम नहीं है ना, अपनी कवर खुदवा के ही मानेगा, इसका खमीर सा उठाना ही पड़ेगा। कल फिर से इसराइल को धमकी दे रहा था और ये पाकिस्तानी हर किसी को जो अपना नाजायज अब्बू बना लेते हैं वो बेगाने शादी में अब्दुल दीवाना, ऐसे खुशियां मनाते हैं कि इनके घर ही पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, इनको ये नहीं पता कि इसराइल जब अटैक करेगा ना ईरान पर तो ईरान धड़ाम से गिरेगा, उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इन गधों को लग रहा है कि इससे भारत पर असर पड़ेगा। भाई भारत तो ईरान से तेल लेना बंद ही कर दिया है, तो सालो तुम पिसोगे घुन के साथ। हाँ, अगर इसराइल अटैक करता है ईरान पर तो इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, लेकिन सिर्फ भारत पर नहीं पूरी दुनिया को फर्क पड़ेगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे इफेक्ट होगी और कच्चे तेल के दाम अभी से बढ़ने लग गए हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि शायद इसराइल की अगर मोसाद के बारे में देखा जाए तो जिस तरह रिसेंट उन्होंने पेजर्स अटैक किए हैं और उन्होंने मखसूस मतलब AI को यूज करते हुए उनके मेन बंदों को दूसरी टेरिटरी के अंदर उड़ाया है। बिल्कुल, उनको पेजर अटैक्स, हालांकि ये सोच भी नहीं सकते कि एक कोई मुलक अपनी एक तंजीम अपने लिए खुफिया चीज मंगवा रहा है, लेकिन उन्होंने इस खुफिया चीज के थ्रू ही उनको किल कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ईरान का ये हमला मिडिल ईस्ट के लिए बड़ा गलत साबित हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो 1969 में आई थिंक जब इजिप्ट, लेबनान और जॉर्डन ने मिलकर अटैक किया था तो उस वक्त वो इसराइल का कुछ उखाड़ नहीं सके थे। तो अभी जब वो इतना पावरफुल हो चुका है, उसके पास US भी है, उसके पास मतलब ब्रिटेन भी ने अभी रिसेंट जब ईरान ने उसके ऊपर हमला किया तो ब्रिटेन भी ये कह रहा है कि हम ईरान की इस हमले की मुजामत करते हैं, तो इतनी पावर के बावजूद हमें नहीं लगता कि शायद इस ईरान जो इसराइल को फतेह कर सकता है, और ये मेरे ख्याल से ये ईरान का एक बड़ा गलत है। सेमीकंडक्टर, ओए भाई गॉड, सेमीकंडक्टर। शहबाज शरीफ, तुझे स्पेलिंग आती है सेमीकंडक्टर की? सेमीकंडक्टर, ये पता है क्या, ये पाकिस्तानी पंजाबी ना नकल बहुत अच्छी करता है। इसने देखा कि इंडिया बात कर रही है सेमीकंडक्टर की, तो ये भी बावला हो गया कि मैं भी बात तो कर लूं सेमीकंडक्टर की। मैं बता रहा हूं टोटल 25 करोड़ में 15 पाकिस्तानी नहीं होंगे जिनको सेमीकंडक्टर का मतलब पता है। 15 नहीं होंगे, 16 हो गया, आई विल बी शॉक्ड। एग्रीकल्चर, चलो ये बात ठीक है, जबकि तुम एग्रीकल्चर में भी फेलियर हो, तुम्हारा एक एग्रीकल्चरल कंट्री है एंड यू आर नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स, ये तो तुम्हारे हाल है। ग्रीन एनर्जी, ओए होए होए, एनर्जी तो है नहीं नॉर्मल वाली तुम्हारे यहाँ, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, झूठ सबके सब। स्किल्ड लेबर, कौन से स्किल्ड लेबर? $42 बिलियन एनुअली यू पीपल आर बेगिंग, यही तुम्हारी स्किल है। दूसरी तुम्हारी स्किल है अलकायदा वाली, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1979 रेवोल्यूशन, ईरान वॉज द सोल कंट्री जिसकी अपनी हर चीज है,
ईरान किसी से कोई हेल्प नहीं ले रहा, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो रशिया और चाइना इंडिया की बैक ईरान की बैक पे खड़े हैं, जिस तरह आपने बताया कि इसराइल को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका और इंडिया उसकी सपोर्ट है, उसी तरह रशिया और चाइना को ईरान की सपोर्ट है समहाउ। तो सेकेंडली उसके अलावा एक ईरान की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो है उनका फर्म बिलीफ है बीइंग अ मुस्लिम के हमारे साथ अल्लाह की ताकत है, इक्तदार आला है। आपकी बात ठीक है टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स पे और इस चीज़ पे इसराइल एज अ वार पे काफ़ी ज़्यादा हमसे आगे है बिकॉज उनको अमेरिकन सपोर्ट है, बट वी शुड नॉट निगलेक्ट द फैक्ट दैट ईरान की भी बड़ी पावरफुल इस वक्त कंडीशन है। जो जज्बा होता है वो किसी को भी पस्त नहीं कर सकता, जिसका जज्बा हाई होता है वो ही हर किस्म का मैदान जो है वो मार लेता है। ईरान के पास जज्बा है लेकिन टेक्नोलॉजी में मार खाएगा। अब दोस्तों असली पाकिस्तान की औकात पे आते हैं। पाकिस्तान कहता है कि $200 मिलियन वर्थ ऑफ हलाल मीट एक्सपोर्ट। अब तुम आए अपनी औकात पे यार, ये तुम्हारी औकात है, जानवरों को मार के उनको एक्सपोर्ट कर देंगे उनकी बोटी उनकी हड्डी से, दैट्स ओके, आप करो आपका काम है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत भी करता है, अमेरिका भी करता है, हर एक मुल्क करता है, आप भी करो। लेकिन ये पहले झूठ क्यों बोला सेमीकंडक्टर का? भैया जब तुम्हें कबाब बिरयानी बेचनी है तो तुम सेमीकंडक्टर इन चक्करों में मत पड़ो यार, क्यों झूठ बोलते हो अपनी कौम से कि हमने मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से तुम्हारी औकात है, तुम्हें सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री में नौकरी तो मिलती नहीं पाकिस्तानियों को। भाई पाकिस्तानियों को सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री में अगर नौकरी मिलती है, कोई डिसेंट पोजीशन में पाकिस्तानी है तो कमेंट्स में लिखो। सेमीकंडक्टर की बात करी और दोनों 0+0=0, ना उसको पता है सेमीकंडक्टर के बारे में ना इसको पता है, ये दोनों एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं कि भाईजान हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तुम भी कर लेना। फिर दोनों ने बोला है कि साहब हम इसराइल को क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा यहां पे मलेशिया की इंडिया के साथ मीटिंग हुई है अनवर इब्राहिम की मोदी जी से और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और मलेशिया की है, तो मुझे लगता है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को जरा इनको एक बार लात मारनी चाहिए। मैं बता रहा हूं कुत्ते की पूंछ है ये, पहले इनका वो नहीं था, वो क्या नाम है उसका, महाथीर मोहम्मद, उसने भी कश्मीर के बारे में, इनको कुछ चुल है कश्मीर को लेके, मैं बता रहा हूं आपको, ये आलम इस्लाम उम्मा का चुम्मा ये सारी की इनको है, मलेशिया को कुछ चुल है। तो ये रीसेट करने के लिए आए थे अपने, ये भारत आया था ये आदमी अनवर इब्राहिम, भारत आया था और भारत में जाके बोला कि नहीं साहब वो तो पागल था आदमी, उसने जो भी बकवास करी हम आपके साथ रीसेट, और पाकिस्तान में जाके यही इसने बात बोली। अब इसको डॉक्टर एस जयशंकर इसकी क्लास लेंगे अच्छी वाली, देखना 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा मीडिया में कि डॉक्टर जयशंकर ने चाबी लगा दी मलेशिया की। और जब से ईरान ने हमला किया जो समझ वाले लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ईरान ने एग्रेशन दिखाया, ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए। इसराइल की बात करें, आपने मोसाद की बात की, इसराइल अपने दुश्मनों को मारने के लिए 100 साल पहले की प्लानिंग रखता है। इसराइल ने ओपन लिखा है कि ईरान से हमने जो बदला लेना है ना, इनके जो एनर्जी सोर्सेज हैं जहां से ये तेल निकालते हैं, तेल को रिफाइन करते हैं, इनकी इकोनॉमी हमने क्रैश की है। गजा का हाल देख ले, लिबनान का देख ले, हमास का देख ले, हिजबुल्ला का देख ले, आपको क्या लगता है ईरान ने तो जो करना था कर दिया, अब जब इसराइल आएगा जिसके साथ सुपर पावर अमेरिका है वो भी आएगा, ईरान तो अकेला, ईरान के पास तो वैसा डिफेंस ही नहीं है जो उसको बचा सके। देखिए डिफेंस की तो बात वो एक ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो ईरान की जो पहली लोकल कम्युनिटी है वो तो पहले ही एक अंडर पली वेलीज जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जो कुछ इकोनॉमी जो इकोनॉमी चल रही थी वो यही उसके ऑयल्स के ऊपर चल रही थी। अगर इसके ऊपर भी वो अटैक करेंगे या ईरान अगर दूसरों को आंख दिखा सकता था उसकी वजह कुछ उसकी न्यूक्लियर पावर से, अगर कोई दूसरा मुल्क बता रहा है कि हम आपके न्यूक्लियर पावर पर भी हमला कर सकते हैं तो इसके बाद ईरान के पास कुछ लूप होल बचेगा नहीं, इकोनॉमी भी डिस्टेबलाइज हो चुकी है, न्यूक्लियर पावर भी ख़त्म हो जाएगी, ऑयल भी ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं मतलब सेक्शन और ज़्यादा लग जाएंगी, तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो उसके इस छोटे से अग्रेशन तो उन्होंने दिखा लिया, अपना एक नाम तो कमा लिया, लेकिन जो लोकल कम्युनिटी है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी में देखें 400 ड्रोन मिसाइल फायर करना, लेकिन वो इतने पुराने टेक्नोलॉजी के थे, वो तो सारे ही हवा में इंटरसेप्ट कर दिए ना अमेरिका के साथ मिलके, नुकसान होगा 10% हुआ होगा, 20% हुआ होगा, चलिए मान लेते हैं 30% हुआ होगा। कैजुअल्टीज असल में कोई भी रिपोर्ट नहीं करता, अभी ईरान ने 400 मिसाइल किए, उन्होंने बताया 180 मिसाइल्स फायर हुए हैं, लेकिन कैजुअल्टीज की एग्जैक्ट तादाद तो वो नहीं ना बता, कहीं ना कहीं खबर दबाई भी जा सकती है। ऑब्वियसली जितना वो इसको बताएंगे उतना वो खुद एक्सपोज होंगे ना। सर इसराइल इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में, आपको पता ही है, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गलती की है, इसका बदला चुकाना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया भी दोनों के बीच सैंडविच हो रहे, इंडिया बहुत बड़ी ट्रेड करता है ईरान के साथ, अब इंडिया में भी ये चीज डिस्कस हो रही है कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच बकायदा वॉर का जो है आगाज हो जाता है तो हमारे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ेगी,
जाएगी, पेट्रोल डीजल गैस एलएनजी एलपीजी इनकी कीमतें बढ़ेगी, हमारी भी जनता मुश्किल में आएगी। जनता मुश्किल में आएगी, देखें इंडिया की इससे आप नहीं कर सकते, बेयर इंडिया को उसकी भी तो सपोर्ट है ना, सऊदी अरेबिया की सपोर्ट हासिल है इंडिया को है। लेकिन ईरान बींग ऑयल उसके पास जो रिजर्व्स हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा आप कह लें एशियन पैसिफिक में, ईरान इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ ऑयल रिसोर्सेज, तो इसको आप नहीं निगलेक्ट कर सकते। ईरान की देखें अकेली कंट्री है, वहाँ पर ना डॉलर चलता है ना कुछ, उधर इन्फ्लेशन का इतना रेट ज़्यादा है, लेकिन वो अकेला खड़ा हुआ है, किस लिए खड़ा हुआ है, अपने रिसोर्सेज से चल रहा है ना, उनकी गाड़ियाँ आप देख लें, उनके शूज़ देख लें, उनके कालीन देख लें, पूरे वर्ल्ड में मतलब फेमस उनका कालीन है, जो मतलब जो कौम मतलब इतनी ग्रास रूट लेवल से ऊपर आ सकती है अपने रिसोर्सेज के ऊपर, तो दे कैन डू वंडर्स एंड दे डिड, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना, आप अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, यो यो किट्टू भाई।